दिस इज़ हिमांशु एंड नाउ यू आर वॉचिंग टारगेट विथ हिमांशु यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि 23 मई को पासिंग मार्क मुद्दा लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के बेंच में ट्रांसफ़र हो गया है। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि मुद्दा काफ़ी गंभीर है। चीफ जस्टिस के बेंच में जाने का अर्थ यही होता है, हाँ ये वही केस है जिसमें सिंगल बेंच जज ने ये कहते हुए पासिंग मार्क जो है लगा दिया था। ये कहा था कि पासिंग मार्क कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बाद में खुद ही 40-45 घोषित कर दिया, ये कहते हुए कि शिक्षा मित्रों को दोनों परीक्षाओं में समान अवसर मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तो अपने जजमेंट में नहीं कहा था। हाँ यह कहा था कि अगली दो वैकेंसीज़ में इन्हें मौके दिए जा सकते हैं, हालांकि न कि ये कहा था कि दोनों वैकेंसीज़ में समान कट ऑफ होनी चाहिए या समान पासिंग मार्क होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल मुद्दा गंभीर है, इसी कारण केस को डबल बेंच में ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन आप लोगों की एक कमी है कि आपको जल्दी ज़्यादा रहती है। मैं जानता हूँ जल्दी आपको नहीं, हर किसी को है, मुझे खुद भी है। लेकिन न्यायालय के अपने नियम और कानून होते हैं और उसका पालन हर किसी को करना है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अभी तक डबल बेंच में 60-65 होगा या 40-45 होगा, इस मुद्दे पर तो बहस ही नहीं हुई है अभी तक। तो आपकी टीम के जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात को उन्हें प्रूव करना है कि उनका अहित कैसे हो रहा है। कोर्ट ने उन्हें पिछली सुनवाई पर 3 दिन का समय दिया हुआ था, ठीक है, और उम्मीदन 23 के पहले आपकी जो लीगल टीम है वो अपना काउंटर कोर्ट में रखकर मजबूत पैरवी 23 को करेगी, अब ये उम्मीद लगाई जा रही है। कोर्ट 40-45 वालों का ऑब्जेक्शन और उसके बाद 60-65 वालों द्वारा दाखिल उसका जवाब, उन दोनों को समझने के बाद ही ये स्वयं निर्णय लेगी कि केस को खारिज करना है या उसकी सुनवाई करना है। लेकिन कोर्ट का सिंगल चीफ जस्टिस के बेंच में जाना ही बहुत कुछ डिसाइड कर देता है, है ना। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कि मामला गंभीर भी है, इस कारण केस खारिज नहीं होगा। विपक्ष का मकसद था समय को बिताना, सो उसने 1 महीने तो निकाल लिए, परंतु मामले का चीफ जस्टिस के बेंच में जाना बहुत कुछ बयां करता है। 23 को दोनों पार्टी बहस करेंगे, पहले तो ऑब्जेक्शन और उसके काउंटर पर, और उसके बाद संभवतः मुख्य मुद्दा जो आपका, जिस पर आज तक अभी डबल बेंच में एक भी दिन बहस नहीं हुई, वो है कटाप। 23 मई का दिन अंतिम नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कई तारीखें पड़ेंगी। अब कई प्रश्न खड़े हैं, जैसे कि क्या कोर्ट जून में बंद हो जाएगी और सुनवाई करेगी कि नहीं करेगी अगर खुली रहेगी तो। उसका उत्तर है हाँ, मामले की गंभीरता और सिंगल बेंच द्वारा चूँकि 3 महीने का समय सीमा भी दिया गया हुआ है, तो डबल बेंच भी इस मुद्दे की सुनवाई स्पेशल बेंच में कर सकती है। आपको पता है कि डेली कार्ड लिस्ट जारी हो ही गई है, 23 की डेट भी लगी हुई है, सरकार अभी मूकदर्शक बनकर बैठी हुई है। पहले दिन कोर्ट में रिकॉर्ड तौर पर यह कहा गया कि स्पेशल अपील तैयार है, जल्द ही फाइल होगी, दूसरा वो पत्र जिसमें स्पेशल अपील की बात की गई है। और फिलहाल में हाल ही में ये बयान कि चुनाव बाद कोर्ट में फंसी भर्तियों का निपटारा तेज़ी से किया जाएगा, ये बहुत कुछ बयां करता है, आपको समझना चाहिए। अर्थ यह है कि सरकार के सामने यह भी प्रश्न था कि 69,000 भर्ती कब, तो आंसर वही चुनाव के बाद, या आज ही का बयान था। अब जब सरकार डबल बेंच में जाती है तो संभावना यही बनेगी कि 60-65 को लागू करवा ले, क्योंकि भविष्य में विधानसभा चुनाव भी है। इस कारण सरकार को हर हाल में भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करना है, क्योंकि उसको एडवांटेज लेना है। आपके बीएड और बीटीसी के जो साथी कोर्ट में आपके लिए लड़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वे भी 23 को अपने आप को प्रूव कर लेंगे। इसलिए यानी हम 60-65 वालों को चिंता इस बात को लेकर नहीं करना है कि हमारा क्या होगा, बल्कि ये सोचिए कि 40-45 पर भर्ती होने का सपना पालने वालों को 29 मार्च से आज तक मतलब रोज़ यही सपने देखते होंगे कि भर्ती नहीं हो रही, उनके बारे में भी सोच लिया करिए, बहुत कुछ बयां कर देता है। कुछ लोग परेशान रहते हैं कि सरकार कहीं 40-45 से भर्ती ना कर दे। यार एक बात बताओ, कट ऑफ चाहे जब भी लगाया गया हो, परीक्षा के बाद, परीक्षा के पहले, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जो कि एग्ज़ाम के बाद भी कट ऑफ लगाया गया है, ऐसी बात नहीं है। और मैं पूरी तरह से टच में रहूँगा आपकी बार लीगल टीम से, और जो भी इन्फॉर्मेशन मुझसे बनेगी मैं दूंगा भी। फिलहाल अभी इस मुद्दे पर बहस ही नहीं हो रहा, तो इसका क्या अभी बात किया जाए, अभी तो पहले अपने आप को प्रूव करना है। तो क्या बोर्ड ने यही इसी वजह से कोटा कट ऑफ लगाया था कि सिंगल बेंच द्वारा उसको कम करवा दिया जाएगा, कम करवा के एक किसी एक पक्ष का समायोजन करके सीधे सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया जाए? हाँ, मतलब इसीलिए कट ऑफ लगाया गया, आप यही सोचते हैं? इतना मतलब गवर्नमेंट को लल्लू समझ रखे हैं ना। फिर मुख्यमंत्री के आप उस बयान को याद रखें जिसमें उन्होंने कहा था कि 15,000 से 20,000 शिक्षा मित्रों के पास होने की बात कही थी। वे जानते हैं कि आप जानते हैं कि वो राष्ट्रीय मीडिया है, कहीं ना कहीं वो बातों को बढ़ा चढ़ा कर ही कहेंगे, तो 15-20 हज़ार का मतलब आप समझ सकते हैं, है ना। अब विपक्ष ने जिस दिन ऑब्जेक्शन फाइल किया उन्होंने एक बात कही थी कि चंद्रा सर को लेकर, वो मैंने देखा था, उनको उनके मुखिया ने ये बात कहा था कि वे सिंगल बेंच में सरकार की ओर से थे और डबल बेंच में इंटरवीनर की ओर से यानी बीएड की ओर से, जो कि न्यायालय की गरिमा के खिलाफ है। यहां तक कि बिना किसी आधार के उन्होंने यह तक कह दिया कि चंद्रा सर जो है सरकार की प्राइवेट जानकारी को बीएड से साझा कर रहे हैं और ये काफ़ी गलत है।
उनके इस बचकानी बयान को देखकर मुझे बहुत हंसी आई। मैं आई है वो वे यह बात जानते हैं कि कोर्ट में सबूत रखना है और बिना सबूत के कोर्ट तो मानेगी नहीं। फिर उनके पास ऐसा क्या सबूत मिल गया? कुछ नहीं। फिर एक वकील जिस पक्ष को लेकर लड़ रहा है हारने के बाद वह डबल बेंच में उसी पक्ष को लेकर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो इंटरवीनर के थ्रू जाए या फिर सरकार की ओर से जाए। पर इतनी सी बात को बताकर खूब खुशियाँ मनाई गई। तो जिस दिन ऑब्जेक्शन किया गया उसी दिन यह कह दिया गया कि बीएड और बीटीसी की रिट खारिज हो जाएगी। पता है आपको, धन्यवाद हुआ बीटीसी टीम का जो उसने उनके ऑब्जेक्शन को सार्वजनिक कर दिया, और उसे देखते ही खुद उनके ऑब्जेक्शन को क्वेश्चन करने का एक वीडियो मैंने खुद भी बना दिया था, उसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जिसे लीगल टीम ने संज्ञान में लिया था। हालांकि टीम के पास खुद ही बहुत श्रेष्ठतम पैनल है जो अपना कार्य कर ही रहे हैं। विपक्ष के पास एक काम बचा है, वापस चंदा जुटाने का, ताकि वकीलों का पैनल जुटाया जा सके, है ना? क्योंकि हकीकत उन्हें पता है, आपको पता है उन्होंने वादा किया था कि भर्ती 40-45 पर होगी, 148 पेज के जजमेंट में पाई और कामा चेंज नहीं होगा, सरकार के अलावा कोई डबल बेंच नहीं जा सकता है, पहले दिन ही रेट खारिज हो जाएगी। ये सारे वादे दिल को सुकून देने वाले हो सकते हैं, पर एक गाना मुझे याद आता है, पता है, कसमे वादे, है ना? कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ऐसे लोगों के वादों का कोई भरोसा नहीं होता है। आपको मैं बता दूँ, 60-65 पे निश्चित रूप से भर्ती होगी, और अगर 60-65 पे भी नहीं होगी, नहीं होती है, तो वो ऐसे मानक पर होगी जिसमें हर कोई सफल होगा। हर कोई का मतलब चाहे वो बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, जो भी मेहनत किया है वो जरूर सफल होगा। लेकिन 40-45 पर ये भर्ती भविष्य में नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।